हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीपीएड थर्ड सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थियों ने आज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रायोगिक परीक्षा आयोजित कराने की मांग की। शारीरिक शिक्षक के अध्यक्ष भूपेंद्र सागड़ा ने बताया कि शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के बीपीएड थर्ड सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा अभी तक नहीं हुई, जबकि चौथा सेमेस्टर शुरू हो चुका है। जबकि चौथा सेमेस्टर शुरू होने से पहले थर्ड सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन व्यास विश्वविद्यालय के अधिकारी व कर्मचारी गहरी नींद में है। अगर समय रहते दो दिन में प्रायोगिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी नहीं किया गया तो प्रदर्शन को उप किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रशासन की होगी। राज्य के एकमात्र शारीरिक महाविद्यालय की चौथे सेमेस्टर की 1 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो गई। आज 13 मार्च हो गए हैं, चौथे सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हुई, लगभग 45 दिन हो चुके हैं, लेकिन तृतीय सेमेस्टर की अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं करवा पाए। पता नहीं क्यों, क्या कारण है, विश्वविद्यालय प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है, या शारीरिक शिक्षा विद्यालय के साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है, या राजनीतिक कोई दबाव है। उसी प्रदर्शन को लेकर, मांग को लेकर आज उग्र प्रदर्शन किया गया। अगर दो दिन में विश्वविद्यालय प्रशासन प्रायोगिक परीक्षा करवाने का नोटिस जारी नहीं करता तो विश्वविद्यालय बंद और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।